साइन खुलीवाड़ा के लक्ष्मण निवास से लेकर एफ रोड माटुंगा तक डीएमसी ने पे एंड पार्क का ऑर्डर निजी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जिसे दुकानदार काफी परेशान है। जिसकी शिकायत लेकर दुकानदार शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल और महाराष्ट्र राज्य सचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती के पास पहुंचे। केशव वाले जी को मिले, काफी चर्चा हुई इस विषय के ऊपर और अभी उनका रवैया काफी नरम दिखा है और कोई ना कोई रास्ता निकालने के है। उसमें दो तीन रिपोर्टें उनको चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारे बंदे जो उनके जो बीएमसी के हैं वो हैं, जो स्थानिक पुलिस है उनसे दो तीन रिपोर्टें मंगाएंगे। खासदार से भी उनकी बात हुई है और तब तक के लिए रिलीफ मांगा है जब तक इसका कोई निर्णय नहीं आ जाता है। और बहुत जल्दी जो कमिश्नर हैं हमारे अजय मेहता साहब, उनसे भी मीटिंग होगी ये सब रिपोर्टें आने के बाद, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि यहाँ पर करना है कि नहीं करना है। तब तक रिलीफ देंगे कि 14 तारीख को अगर हम मोर्चा लेंगे यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनेगी। उसी विषय पे हमको कल फोन आया था पुलिस स्टेशन से कि जो केशव वाले साहब है वार्ड ऑफिसर, उन्होंने हमको बुलाया चर्चा के लिए। जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल साहब वो खुद आए थे आज, उनकी चर्चा चली, हम पूरी कमेटी साथ में थे, दुकानदार थे, तो वहाँ चर्चा में यही हुआ। हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय इंद्रजीत सिंह बल साहब, उन्होंने उनको बोला कि आप कुछ भी कीजिए पर जो गरीब पे पेट पे लात मत मारिए। जो 50 साल से वहाँ धंधा कर रहे हैं लक्ष्मण निवास पार्किंग पे रोड पे, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे ये मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं 40-50 साल से, उनको अचानक हटा के एक कॉन्ट्रैक्टर को पेन पार्क दिया गया जो रोज की वहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ खड़ी करेगा और वहाँ 2-500 हज़ार रुपये कमा के जाएगा रोज का, महीने का 30 हज़ार। और जो ये धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक 2-2 करोड़ की दुकानें हैं 50 साल से और यहाँ पे कम से कम 2 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक आदमी को काम देने के लिए 2 हज़ार लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। आज हम लोग ओबाले साहब से मिले हैं तो थोड़ा थोड़ा नरम रुख दिखा रहे हैं, थोड़ा बात अच्छी कर रहे हैं हमारे साथ। अगर ये हमारे साथ चलते हैं, बात मानते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्थानीय पुलिस को या स्थानीय यहाँ के नगर सेवक हैं उनको भेजते हैं, चेक कराते हैं कि भाई पे एंड पार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से चेक करते हैं, तो अच्छी बात है। जैसे उन्होंने कहा है कि वापस उनको अच्छे से देखते हैं फिर कन्फर्म करते हैं, तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात। आप देखिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप रोड पर कहीं केले का ठेला है, कहीं फलूदे वाला है, आप उनके यहाँ बाइक लगाओ तो वो झगड़ा करने को आ जाते हैं, भाई साहब आगे करो हमारा धंधा खराब होता है। आज करोड़ों की दुकान लेके 20-30 रुपए का कोई पार्किंग टिकट लेके खड़ा हो जावे और 8 घंटे हमको बंद करके बैठा देवे, हम दुकान में ऐसे बैठे रहे और ताकते रहे कब ये जावे और कब मैं धंधा करूं, तो ये तो कोई बात नहीं ना। आज आप केले वाले के सामने बाइक खड़ी करो तो वहां झगड़े हो जाते हैं। जो 2-5 हज़ार रुपए की ग्रेड लेवल की चीज है, आप 2-5 करोड़ की दुकान के आगे 20-30 रुपए का टिकट देके किसी को बैठा दोगे 8-10 घंटे के लिए और दुकानदार को मजबूर कर दोगे तो झगड़ा करने को उतरेगा ही ना, वो क्या करेगा? आप खुद ही सोच के बताइए ना। आप भी रोड पे घूमते हो, जाते हो, गाड़ियां लगाते हो, आप कहीं खड़ी करके देखो किसी ठेले के आगे गाड़ी, तो आप कैसे ऐसा कदम ले सकते हो।